विधानसभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सरकार बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में कोरोना काल की विषम परिस्थिति से उबरने के प्रयास की स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि आज पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में रोजगार और आदिवासी वर्ग के लिए सरकार अपना खजाना खोल सकती है। गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं पर खास फोकस होने की बात सामने आई है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हेमंत सरकार नए साल में अपना बजट 4,000 करोड़ बढ़ाने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट आकार 86,370 करोड़ था, लेकिन इस बार यह 90,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़ गए हैं। जी कृष्णा, झारखंड में आज बजट पेश होना है, आज विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, वित्त मंत्री रामेश्वर राव बक्से के साथ पहुंच चुके हैं और कल ही एक उनका बयान आया था कि इस बार का बजट जो होगा, जो गरीब राज्य है झारखंड, इसलिए ज्यादा फोकस होगा, गरीबों पर होगा, जो गांव में जो महिलाएं रहती है, गरीब महिलाएं हैं, उन पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, क्योंकि कोरोना है इसलिए स्वास्थ्य को भी देखना जरूरी है। और ये आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से शिक्षा एक साल में स्कूलें नहीं चली है, उसको लेकर के तमाम तरह के लोग, जिस तरह से युवा सड़कों पे है, उसको लेकर के बात की जा रही है कि युवा को खुश करने की कोशिश की जाएगी। नियुक्ति का साल भी आ जाएगा कि बजट में वो भी पेश किया जाएगा, किस तरह से नौकरियां, रोजगार दिया जाए युवाओं को, कि जो सड़कों पर दिख रहे ना दिखे। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जब से ये सरकार आई है तब से युवाओं को छली है, तो तमाम तरह की ये बातें। सबसे ज्यादा फोकस वही रहेगा गांव और कि गांव के कैसे, गरीब गांव है, ये गरीब राज्य है, इसको आगे लाया जाए। कृष्णा, इस बजट सत्र को लेकर आम लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, आम लोगों की सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये एक चीज है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। मैंने जब एक बार सरयू राय से बात कर रहा था तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि देखिए, जो मैंने पूछा उनसे कि पिछले साल का बजट 86,000 करोड़ का था, इस बार का बजट कितना होना चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ईमानदारी से कोई बजट पेश होगा तो 60 से 65 हजार करोड़ का बजट होना चाहिए। अभी उनका बयान क्यों आया था ये तो वही बताएंगे, मगर ये चीज है कि उनकी नजर में लगा 86,000 करोड़ जो पैसे है वो खर्च नहीं हो पाते हैं, जो बजट में पैसे प्रावधान किए जाते हैं कि इतना खर्च किया जाएगा वो नहीं हो पाता है। हाँ, युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि सरकार जो लगातार कहती आ रही है कि हम युवाओं के लिए आए हैं, युवा सरकार है, मुख्यमंत्री जो है युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। आम आदमी को उम्मीद है कि आम आदमी जो कि सरकार बदल कर लाई है, पिछले साल कोरोना था इसलिए सबको यही उम्मीद है कि इस बार जो होगा बजट में हमारे लिए अच्छा होगा। व्यापारी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि इस बार का बजट हमारे लिए कुछ खास होगा, हमें जो टैक्स में छूट दी जाएगी, तमाम तरह की चीजें हैं जो कि पिछले साल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको लेकर के इस बजट पे सबकी नजरें टिकी हुई है। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।